अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाबी माहौल के नाल मुहम्मद काशिम महमूद अज की अपनी वीडियो से सारे दोस्तों को खुश आमदीद कहना वा। दोस्तों अज असी मौजूद हैं सैयद नासिर शाह गिलानी के डेरे से। उन्होंने अपने मरहूम वालद साहब के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, सैयद बाकर शाह गिलानी वेलफेयर ट्रस्ट। पिछले दिन लॉकडाउन रहा, फिर बहुत सारे लोगों को भुख की तकलीफ हुई, बहुत सारे गरीब लोगों के अखराजात नहीं से पूरे होंगे घर के। सैयद नासिर शाह साहब ने उन्होंने घर राशन पहुँचाया, तकरीबन 700 तो जायद घर उन्होंने अपने ट्रस्ट की तरफों फ्री राशन पहुँचाया, कुछ लोगों की पैसे नाल इमदाद की। इस तरीके उन्होंने एक बहुत पुराना टूरनामेंट चलता जो कि आवाम की उन्होंने तफरी वास्ते बनाया, सैयद बाकर शाह गिलानी टूरनामेंट, क्रिकेट का टूरनामेंट हों, कबड्डी का भी हों। अजक उन्होंने एक ब्लड डोनेशन का सिलसिला जारी किया होया, लोगों जरूरतमंद लोगों फ्री ब्लड दिता जाता जिन्होंने जरूरत होंगी। तो चलते हैं सैयद नासिर शाह गिलानी साहब को उन्होंने ख्याल पूछते हैं इस बारे। वीडियो शुरू करने तो पहले दोस्तों सीखने वाले को दरखास्त है साडे चैनल को सबसक्राइब कर दिओ, तो अच्छे अच्छे कमेंट करके साडा मान वधाओ ताकि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो असी अपने देखने वाले लैके आते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ जी, कैसे हो? ठीक हो? तुम सुनाओ, ठीक हो? आओ जी, सी रखो। शुरू किया की ख्याल की सोच के शुरू किया इस बारे ख्याल जी? कश भाई मैं थोनों डिटेल दसांगा इंशाल्लाह। असी ये ट्रस्ट जिहड़ा ने स्टार्ट किया सी 2 साल पहले जी सर जी, इन्हों एवें किया सी बई एक कुछ मेरे दोस्त सी कजन सी वो एक काम करदे सी बई लोगों की हेल्प करना, उन्होंने विचों मैनू भी मेरे जहन दे विच ये गल आई कि उन्हें असी भी ये इनिशिएटिव लिया जाए। वो वास्ते इन किया फिर एवें करते बई बच्चों कोई जर्सी लै दी, बच्चों कोई शूज़ लै दते, उन्होंने देखते हो फिर मेरे जहन च गल आई। तो 2 साल पहले असी एवें किया कि सर्दियों का महीना जो दिसंबर से जी, उस टाइम असी लोगों के घर के जो इस्तेमाल शुदा चीज़ा सी जिद जुतियां कपड़े कह लो जर्सियां स्वेटर वो पूरे अकैडमीज जिथे टीच करते हैं उत्थे ना शहर की अकैडमीज के कट्ठे किए जी, वो लै नाले मैं शुक्रिया अदा करता फतेहपुर के दुकानदारों का, दुकानदारों के कोलों असी जरा उन्होंने दुकान के भी जो माल एक एक्सपायर हो जाता, एक्सपायर मीन के पुराना हो जाता है पिछे अपना रख देंगे दे स्टोर के ऑफ सीजन हो जाता है, वो असी उन्होंने को लिया। असी एक दफ़ा स्कूल के स्टार्ट लिया असी जिद फिर असी मैं जो स्कूल पढ़ा उ मैं पहले साल जरा एक स्टाल लगाया सी, फिर इस साल दूसरी दफ़ा 6 स्टाल लगाए ने असी अलहमदुल्ला। नाले ये है कि फिर जो अल्लाह ने खुद तौफीक दी वो कपड़े जुतियाँ वो खुद कोई नवे परचेज करके कुछ जरा ना जी जरा लंडे वगैरह का कह लो उन्होंने जर्सियाँ स्वेटर वो लैके जो कुछ नवा सी वो भी लैके शॉप तो डिस्प्ले किया। फीस भी लीला सैयद बाकर शाह गिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए इस दफ़ा असी कोई कम अज़ कम 6-8 स्कूलों के भी टोटली जिद बच्चे की किताबा कापियाँ बच्चों का समान बड़िया का समान जर्सियाँ असी दिता है। आगाज़ तुम सवाल से थोड़ा आगाज़ कदों किया? 2 साल पहले असी ट्रस्ट का आगाज़ किया है अलहमदुल्ला। हूँ ये असी इन बकायदा तौर पर रन कर रहे हैं, ये असी होर मामलात भी देख रहे हैं कपड़े जुतियाँ देने के अलावा जी। सर जी सुन रहे अजक ब्लड डोनेशन वास्ता एक सिलसिला शुरू किया हो जी, इस वास्ते किए शुरू किया दोस्तों की मदद नाल या आवाम मदद कर रही किस जी? ये काशिफ भाई जरा जिमें थोड़ा चैनल है पंजाबी चैनल थोड़ा जी, ये जरिए जिमें दोस्त कवरेज देंगे ने होर न्यूज़ चैनल वाले ने, यह तरीकाकार ये काशिफ भाई कि असी जरा फेसबुक के उत्ते भी टैग जो पहले इवें होंगे जो तो जेड़ा ब्लड की जरूरत पी असी फेसबुक के उत्ते स्टेटस ला दे दे, व्हाट्सएप से स्टेटस ला दे दे, पोस्ट ला दी ला देंगे सी, वो जेड़े दोस्त का हों फौरन ही रिस्पोंस दे दिता सी। लेकिन अलहमदुल्ला मेरे को 60-70 बंदों का डाटा है जेड़े नूं जरूरत पौंदी है, कोशिश ये करी दे फतेहपुर दे विच फिलहाल मेरा पहला कदम फतेहपुरी च, फतेहपुर नूं जेड़ी शायद लोड़ पैंदी है वो मेरे को 60-70 डोनर मैं इन कर ले उन्हें फेसबुक तो डाटा लैके। कोरोना के हालात ने हाली हालात साजगार नहीं है, नहीं तो मेरा यही इरादा है
कि असी इंशाल्लाह एक दिन फतेहपुर चौक के करीब किसी जगह के उत्ते स्टाल लावांगे, कैंप लावांगे। वो कैंप के विच असी लोगों का डाटा हासिल करांगे, किसी वड्डे चक के विच कैंप लावांगे, उत्थों डाटा लैके ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग का डाटा साढ़े को आएगा। जो डाटा ज़्यादा होएगा असी ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों ने हूँ भी फीस भी लीला ये गल भी यानी कि फीस भी लीला असी ब्लड डोनेट कर रहे हैं लाहौर लैबोरेटरी वाले वो सा बड़ा ताउन कर रहे हैं। लाहौर लैबोरेटरी हस्पताल रोड से है, उन्होंने डिस्काउंट भी है कि शायद जो रेफरेंस थोड़े ना आएंगे असी उन्होंने बड़ा माकूल देंगे। ना वो कैंप के भी वो बिल्कुल साढ़े नाल रखते हैं कि हाँ। एक होर गल थोड़े न्यूज़ चैनल के हवाले मैं दसना चाहगा कि अगर किसी पता नहीं है कि मेरा ब्लड ग्रुप कड़ा है और तो ब्लड सूँ देना चाहता है, सारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, लाहौर लैब से जाएंगे ब्लड चैक जो है वो कोई फीस नहीं है। असं फिर उन्होंने डाटा ले लेंगे, ब्लड एवें लै रहे हैं फिर असं जिन्होंने देने साड़ी एक कोशिश होंगी है कि असं किसी एट द टाइम दे रहे हैं तो उन्होंने कोई नहीं वो रेलीवेंट ग्रुप फिर असं उन्होंने भी ग्रुप का किसी मैंबर का नाम लिख लें, जरूरत पैण तो उन्होंने को भी ले लें। फिलहाल इन देखिए लोग एप्रीशिएट कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं ज्यादा तो जी 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 जी। ये मैं फतेहपुर के लोगों का खासकर न्यूज़ चैनल के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ मेरे चाहने वाले ने जो सारी एक्टिविटी शेयर करते हैं अगे प्रमोट करते हैं। तुम आए हो थोड़े चैनल प्रोग्राम तुम प्रमोट कर रहे हो, मैं इन सारा का मशहूर हाँ कि वो सारे प्रमोट करते हैं इसलिए जो है ना ये अगे असं कर रहे हैं। इस तरीके सर जी करोना के लॉकडाउन के लोगों की काफ़ी इमदाद की है, गरीब लोगों जिन्हों को राशन नहीं सी उन्होंने राशन पहुँचा रहे हो जी। बिल्कुल काशिफ भाई अलहमदुल्ला पहले मैं जिमें अर्ज कर चुके हैं कि स्टार्ट लिया सी असी सिर्फ कपड़े देने तो करोना के हालात अलहमदुल्ला 700 घर असी राशन पहुँचाए जिद मुख्तलिफ पैकेजेस से मुख्तलिफ सफेद पोश तबके उन्होंने पहुँचाया गया। कुछ लोग जोड़े साड़ी नज़र से दूर से उन्होंने अमाउंट भी भेजी गई, फिर इंशाल्लाह इवें आगाज़ किया गया कि ट्रस्ट एक ऑफिस पीर छतरेडे से मौजूद है उन्होंने। और एक मैं थोड़े न्यूज़ चैनल एक होर गल करना चाहवागा कि एवें होंगे कि लोग राशन आंदा है, लोग बहुत इमदाद करते हैं हेल्प करते हैं लेकिन हकदारा तक नहीं पहुँचता जी। वह काश भाई असी बेहतरीन तरीका ये असी कढ़िया सी, उहदा हल ये कढ़िया सी असी असी फर्स्ट फेज़ दे विच मैं कोई महीने दे विच तीन दफा तकसीम करता सी, सत दिन मैं डाटा लैंदा सी, ट्रस्ट दे ऑफिस विजिट करते सी, मैं ऑल द टाइम ऑफिस दे विच बैठा रहिंदा सी, लोग आंदे सी, मैं लोगों का कार्ड देखदा सी ठीक है। जिहड़ी माई जिहड़ी भैन जरूरतमंद लगती सी कोशिश ये होंदी सी कि जिहड़ी बेवा औरत जिहदी उम्र 40 साल तो कम उहदे बच्चे छोटे होणगे ते जिहड़े मजदूर अफराद ने उन्होंने 100% कोशिश हुई है कि जिन्हें ट्रस्ट ऑफिस विजिट किया उन्होंने डाटा हासिल कर लेंदे सी, जिहड़े आंदे सी जो कुछ मास्क सी या कोई होर समान थोड़ा बहुत सारे देने की कोशिश की है लेकिन जो ज़्यादा डिजर्विंग से उन्होंने डाटा हासिल कर लेंगे सी। फिर नैक्सट फेज उन्होंने कॉल करके बुला लीजा सी फलां दिन थोड़ा राशन देंगे तो अलहमदुल्ला 700 घर राशन दिता है। और मैं बंदे इन चीज़ की ये औकात नहीं है कि मैं कला ये काम करता, कई दोस्त मेरे मैं जिन्होंने इतने ना नहीं ले सकता, इस्लामाबाद के मेरे दोस्त है चौधरी फैजान अली बयाली चक दे है और काफ़ी सारे 14-15 रेगुलर डोनर्स ने वो जोड़ा ना सूँ डोनेट कर रहे हैं जोड़ा ना। बाकी फतेहपुर ऑनरेबल शख्सियत डॉक्टर जवेद इकबाल साहब भी साढ़े हेल्प करते हैं, वो भी जो भी उन्होंने लोड़ पैंती है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ने। मैं उन्होंने सारा का शुक्रिया अदा करदा कि मैं कल बंद का काम नहीं 700 घर राशन दिते जी। सही सर जी, बड़े जबरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रस्ट चला रहे हो, अल्लाह पाक थोड़े इस ट्रस्ट में कामयाब करे, मजीद ज़्यादा तो ज़्यादा तरक्की दे। अच्छा सर जी, थोड़ा मुस्तकबिल का की प्रोग्राम है, तुम अपने ट्रस्ट में इतने ही रोकोगे फतेहपुर तक या इस तो बाहर भी लैके जाओगे, यदि फंडिंग तुम किस तरीके कर रहे हो जी? काशिफ भाई इस सवाल थोड़ा बड़ा अच्छा माकूल सवाल है जी। पहली गल तो ये कि फंडिंग के हवाले मैं ये कहूँगा कि अलहमदुल्ला 15 से 20 मेरे दोस्त ने डोनर्स ने जेडे हर महीने अपना हसबे तौफीक कोई 1000 कोई 1500 कुछ मेरे दोस्त ने दुबई तो उन्होंने ना लेना मुनासिब नहीं समझते, उन्होंने ये किया शाह जी तुम साडा ना नहीं लेना, कुछ मेरे फतेहपुर के दोस्त ने कुछ होर भी दोस्त ने जेडे दे विच रेगुलरली हर महीने जो ही तनख्वाह उन्होंने आँदी है वो अपनी जी हिस्सा है कि वो अपने इस ट्रस्ट के भेज देते हैं। अलहमदुल्ला 15 से 25 हज़ार जोड़ा ना सा ट्रस्ट के अकाउंट के हर महीने आ रहे हैं, तो ये है कि 15 से 25 हज़ार आ रहे हैं। हम थोड़ा सवाल से फंडिंग वाला हो गया, दूजा सवाल तुम हमने किया कट्ठा ही कि मुस्तकबिल का की प्रोग्राम, तो कश भी मैं थोड़े पंजाबी माहौल चैनल के जरिए पैगाम फस्ट टाइम ही दे रहे हैं, जितने भी अगर न्यूज़ चैनल आए ने या इंटरव्यूज दिते ने उन्हें मुस्तकबिल का प्लैन मैंने दसिया, तुम माशाल्लाह आए हो तो मैं थोड़ा अपना मुस्तकबिल का प्लैन ये दसना चाह रहा कि अलहमदुल्ला एट द एंड ऑफ ईयर साढ़े को साल के एंड उत्ते एक हैंडसम अमाउंट जमा हो जाएगी इंशाअल्लाह जिंदगी रही, तो असी पूरी जी तहसील करोड़ है
प्लैन है तहसील करोड़ के जेडे गौरमेंट प्रायमरी स्कूल ने उन्होंने जो यतीम बच्चे है हर स्कूल के डेटा लाएंगे इंशाल्लाह जितने भी यतीम बच्चे होंगे उन्होंने असी जर्सियाँ असी उन्होंने यूनिफॉर्म तो नाल असी उन्होंने जुतियाँ शूज इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की फंडिंग भी इतनी हो जाएगी होर लोग भी साथ देंगे अल्लाह का जरा कम है वो बिल्कुल बरकत पैंती है तुम कदम लो तो यह मुस्तकबिल की प्लैनिंग है तो उन्होंने करा इंशाल्लाह होर प्लैन भी है इनू बहुत जरा ना अपने इलाके वास्ते बहुत अच्छा करा फिलहाल प्लैनिंग यही है कि दिसंबर के असी फंडिंग करके जी सा टारगेट अचीव हो गया तो असं इंशाल्लाह पूरी तहसील करोड़ में देंगे बहुत बेहतरीन सर जी बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो तो असं अपने देखने वाले वास्ते कोई भी यही दरखास्त करा कि सैयद नासर शाह गिलानी साहब की ज़्यादा तो ज़्यादा इस काम के मदद करो ये अल्लाह की राह पर खर्च कर रहे हैं फीस भी लीला काम कर रहे हैं गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं तो असी मजीद अपने इन्हों ट्रस्ट के नंबर अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो तुम स्क्रीन पर नंबर भी नज़र आ रहे हैं तो इन्ह की ज़्यादा तो ज़्यादा मदद करो जोड़े दोस्त ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो भी रबता कर इंशाल्लाह दिता हुआ रहेगा नहीं जाएगा एक बहुत अच्छा काम है अल्लाह की राह पर देना काम रेफरेंस ना सर जी मजीद तुम दसो भी तुम अगे साड़ी आवाम वास्ते की करना चाहते आवाम को की पैगाम देना चाह रहे साड़ी आवाम ने जी मैं थोड़े पंजाबी माहौल यूट्यूब चैनल नाल जेड़े दोस्त देखण मैं एक पैगाम देना चाह रहा वो ये है कि देखो मैं वो गुजारिश करांगा कि मैं कला बंदा कोई चीज़ नहीं कर सकता मेरे नाल दोस्त मेरा साथ दें ये अपने इलाके की खिलाफ वास्ते मैं एक कदम लिया है तो तुसी मेरे दोस्त जरा ना मेरे नाल मिलते जाएंगे तो चीन बन दी जाएगी खासकर जदों ब्लड की जरूरत होंगी है अगर किसी का है तो वो ब्लड नू देण दे विच जरा भी देर ना करन इंशाल्लाह डेटा भी लिया जाएगा वो ब्लड की अगर किसी को जरूरत है क्योंकि जिन्हें एक बंदे की जान बचाई उन्हें पूरी इंसानियत की जान बचाई नाले दूजी गल ये है कि तुसी जो भी लोड़ पैंदी है मैं कोई स्टेटस लगाना भी किसी बच्ची नू कोई जरूरत है किसी बेवा औरत नू कोई जरूरत है तो उहदे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लो तो बाकी एक रेगुलर ट्रस्ट का हर महीने फंडिंग हो रही है मैं थोड़े पंजाबी माहौल चैनल के जरिए भी यह पैगाम देना चाह रहा डिस्क्रिप्शन के नंबर दिए गए हैं जैस कैश अकाउंट ईजी पैसा अकाउंट HBL अकाउंट ये तिने अकाउंट ने तुसी अपनी जी कोई भी सदका जकात उशर जिहड़ी मद दे विच तुसी दोगे और ट्रस्ट के रेगुलर अकाउंट ही जमा हो जाएगी और इंशाअल्लाह जिहड़ा ना बिल्कुल अमानत समझ के हर जरूरतमंद तक थोड़े पैसे पहुँचाए जाएंगे थोड़े पंजाबी माहौल चैनल का शुक्रिया काशिफ भाई थोड़ा शुक्रिया तुसी इत्थे तशरीफ लाए हो तुसी असीं तुहाडे शुक्रगुजार हाँ ते थोड़ी मोहब्बत वंडन दा तुसी आए हो पंजाबी माहौल ते ए लोगों नू दिखाओ भी सी कि असीं बैठे भी पंजाबी माहौल दे विच ही आ ते बेहतरीन थोड़ा चैनल भी नाले एक आखिरी गल भी मैं करना चाहांगा कि तुसी ए जिहड़े दोस्त मैं वीडियो सारी देखण ए चैनल नू लाजमी सबसक्राइब करन ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब करो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पंजाबी माहौल चैनल नू सबसक्राइब करो इदां दी होर भी बड़ी अच्छी वीडियोज़ ने शेयर करते रहेंगे ने काशिफ भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तुसी थोड़ी मोहब्बत दा शुक्रिया सर बहुत बहुत